हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय सामान्य ज्ञान वीडियो का पार्ट नंबर 8। यदि आपने इससे पहले हमारी वीडियो देखी तो मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। तो इसके ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। हमारा अगला सवाल है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। इसके ऑप्शन है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब है कानपुर। कानपुर सबसे बड़ा शहर है जो गंगा किनारे स्थित है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रील सामग्री नहीं बनाई जाती है। इसके ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, चेन्नई, मुंबई। तो इसका सही जवाब है मुंबई। हमारा अगला सवाल है, देश में माल परिवहन के लिए कौन बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन है वायु सेवा, नौ परिवहन सेवा, रेलवे, बस। तो इसका सही जवाब है रेलवे। हमारा अगला सवाल है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी ये देश प्यासी धरती समझाता है, क्यों। इसका ऑप्शन है वर्षा के पानी का तेज स्पीड से बहाया जाना, वर्षा का पानी सीता से भावन को उड़ जाता है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब है उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है। इसका ऑप्शन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर। हमारा अगला सवाल है, कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या सीमेंट उद्योग। इसका सही जवाब है सूती वस्त्र उद्योग। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खरीद में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। इसका ऑप्शन है लोह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक या तांबा। तो इसका सही जवाब है तांबा। हमारा अगला सवाल है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका ऑप्शन है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इसका रंग लाल होता है, यह शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, ये अधिकांश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ये मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है। इसका सही जवाब है यह मिट्टी नदी घाटी में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है। इसका ऑप्शन है लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, स्थानीय पवन, शीतकालीन मानसून। तो इसका सही जवाब है पश्चिमी विक्षोभ। आई होप आपको वीडियो से तो कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।